जायदाद के लालच में खून सफेद हो गया। शाह कमाल की रहायशी नदीम का सोला मरले के घर पर कब्जे के लिए छह बहनों पर हथौड़ों से तशद्दुद। तशद्दुद का निशाना बनने वाली बहनों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मुतासिरा खवातीन का कहना था कि 8 माह से उनका भाई तशद्दुद कर रहा है, हुकूमत तहफ्फुज़ फराहम करे। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस भी हमारे भाई से मिली हुई है। थाने वाले हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन्होंने पहले भी हमें बिला वजह अंदर बंद किया है, हमारे घर वालों के ऊपर तशद्दुद किया। मेरा भाई तशद्दुद करता है हमारे पे, हमें हथौड़ों से मारता है। हमारी चीफ जस्टिस से प्लीज, हमारी कोई और प्लीज वजीर आला पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि हमें तहफ्फुज दिया जाए। भाई हमें कत्ल की धमकियां दे रहा है, हमें मार रहा है, थाना उसके साथ है, प्लीज हमारा ये मसला हल किया जाए। चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि खुदारा हमारे लिए कुछ करें, नहीं तो वो हमें जान से मार देगा। SHO थाना वैदत कॉलोनी का कहना है कि मिली भगत के इल्जाम बेबुनियाद हैं। मेरा ना कोई इनसे कोई तल्लक है, ना किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। 151 कॉल हुई थी, उससे मौके पे चलेंगे, जो कार्रवाई बनी है हमने इनकी कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने मुतासरा बहनों को तहफ्फुज़ देने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ सलमान नजीब भट्ट, लाहौर न्यूज़।